दुनिया में जहाँ हर त्योहार की स्पिरिट खत्म होती जा रही है, वहीं पर क्रिसमस की स्पिरिट को फिर से रिवाइव करने के लिए एक फिल्म स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है आज से नेटफ्लिक्स पर। यहाँ पर बात चल रही है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप की। हाय, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं व्हाट्स अप बॉलीवुड। हॉलीवुड पाठशाला लग चुकी है इसी फिल्म की, जहाँ पर मैं बात करूंगी इस पिक्चर के बारे में। नहीं, आपको पूरी पिक्चर ही दिखा दूंगी। तो शुरू करें, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है एरिका की, जो वॉशिंगटन डीसी में रहती है और एक पॉलिटिशियन के यहाँ पर, कांग्रेस वूमन की यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब करती है। उसकी जॉब और प्रमोशन इस बात पर टिकी हुई है कि वो अपने घर और परिवार से दूर क्रिसमस की छुट्टियों के टाइम पर पैसिफिक आइलैंड जाए, वहां के यूएस एयरफोर्स बेस में उनके ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के बारे में सारी जानकारी निकाले, ताकि इस ऑपरेशन को बंद किया जा सके और इस बेस को भी। पैसिफिक आइलैंड के यूएस एयरफोर्स बेस में जाकर एरिका को पता चलता है कि ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। हर साल कई सालों से क्रिसमस के ही समय पर जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, वो अपनी प्लेन के जरिए डोनेट किया हुआ, जो भी आइलैंडर्स ने डोनेट किया हुआ है उन सामान को 56 अलग अलग आइलैंड में और 30,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ में बांटते हैं। और ये सामान होते हैं खाने पीने के, दवाइयां, किताबें इत्यादि, और ये पैराशूट के जरिए भेजा जाता है उन तक। एरिका का मिशन होता है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के बारे में एक रिपोर्ट बनाना, ताकि इस ऑपरेशन को खारिज किया जा सके। लेकिन यूएस के एयरफोर्स ऑफिसर्स, वहां के आइलैंडर्स, डोनेट करने वाले लोग और खासकर कैप्टन एंड्रू के दिल में जो इस क्रिसमस ऑपरेशन को लेकर प्यार है, पैशन है, वो एरिका का दिल भी बदलने लगता है। अब एरिका इन्हीं के साथ में काम करने लगती है। अब वो एक नया मिशन ढूंढ लेती है कि तूफान में लोगों तक ये सामान कैसे पहुंचाया जाए। इस सब के दौरान एरिका को कैप्टन एंड्रू बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे लड़के रियल लाइफ में कभी नहीं होते हैं। ये एक किताबी या फिर फिल्मी कैरेक्टर ही हो सकते हैं। अब देखो, एयरफोर्स पायलट है, यंग है, गुड लुकिंग है, बच्चों से प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, दान धर्म के कामों में इतना जुड़ा रहता है कि अपनी सुविधा की भी परवाह नहीं करता है, और मतलब वो आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करता है, और एक किलर स्माइल भी है। तो एरिका को वो क्यों नहीं पसंद आएगा? मुझे पसंद आ गया फिल्म देखते टाइम। इस परफेक्ट क्रिसमसी दान धर्म वाले प्रोसेस में एंड मौके पर एरिका की बॉस कांग्रेस वुमन एंजेला पहुंच जाती है ऑपरेशन को बंद करवाने, और ये पूछने की, भाई तू कर क्या रही है, तेरे को भेजा था ये सब चीज बंद करने, रिपोर्ट अभी तक भेजी नहीं तूने। तो अब ये जो है ना, कैसे कांग्रेस वुमन को भी ये लोग इस दान धर्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, और कैसे उनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है आइलैंडर्स को देखकर, उनके चेहरे की खुशी को देखकर, ये दान धर्म की स्पिरिट को के जरिए क्रिसमस, असली क्रिसमस की जो स्पिरिट है, असली त्योहार की स्पिरिट है, उसे वो उनको टच कर जाता है और कांग्रेस वुमन का दिल भी पिघल जाता है। अंत में एरिका की जॉब और प्रमोशन, ये दोनों ही सही सलामत होते हैं। फिल्म होती है एंड हीरो और हीरोइन के बीच में एक मच अवेटेड किस के साथ। ये फिल्म क्रिसमस की ठंडी दोपहर में एक गरम चॉकलेट के कप के जैसी फील गुड है। सो दैट वॉज इट। हॉलीवुड पाठशाला एक ऐसा शो है जहां पर आपको अंग्रेजी या फिर किसी अलग लैंग्वेज की फिल्में होती हैं, जैसे फ्रेंच, स्वीडिश वगैरह, उसके सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी जो है ना, यहीं पर एक वीडियो के जरिए सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, प्राइम वीडियोज नहीं है, या फिर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है, तो मैं हूं ना, मैं ही ये हॉलीवुड पाठशाला लगाती हूँ, यानी कि आपकी अध्यापिका प्राची, ताकि आप बिल्कुल जल्दी से सारा माजरा समझ सकें। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो, लेकिन मैं हाजिर होंगी एक और हॉलीवुड पाठशाला के साथ में। तब तक आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं व्हाट्सएप बॉलीवुड पर।